नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारे भाइयों को। ये हमारे पास है नई KDX2 और हमारे पास गाड़ी है सुजुकी रिट्ज़। अब हमारी जो मारुति सुजुकी रिट्ज़ है इसको हम KDX2 से कॉपी करेंगे। ये हमारा जो है मोबाइल फ़ोन है, ये हम इसकी ब्लूटूथ की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हमारी KDX2 जो है वो कनेक्टेड है। ठीक, अब हमारी KDX2 कनेक्टेड है तो हम बैक गए, हम गए चिप वाले फंक्शन में। चिप वाले फंक्शन में जाके हमने क्या किया, हमने ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन पे चल गया और हमने चाबी को यहाँ रख दिया। अब हमने जो चाबी रखी उसके अंदर ये आ गया कि 46 चिप इंक्रिप्शन मोड कैन बी कॉपीड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चिप डिकोड पे क्लिक करेंगे। अब हम इसका स्निफ लेने के लिए इसको चाबी को निकालेंगे और गाड़ी की इग्निशन के साथ इसको लगाएंगे। अब वो कह रहा है कलेक्टिंग सक्सीड, इसका मतलब जो हम स्निफ ले रहे थे वो उसने ले लिया। अब हम चाबी इसको वापस डालो, चाबी को हमने वापस डाल दिया। अब वो बोल रहा है कि या तो NB सीरीज का रिमोट या तो कोई भी और ट्रांसपोंडर जैसे CN की CN3 चिप उसको आप डालो और उससे कॉपी करो। अब हम चाबी निकाल लेंगे। अब हम जो है वो CN की चिप है ये, इसको इसमें डालेंगे। यहाँ पे हम करेंगे कॉपी चिप। अब ये पूछ रहा है वायर्ड कॉपी या वायरलेस कॉपी, हम करेंगे वायरलेस कॉपी। कॉपी सक्सीड। अब ये कह रहा है कॉपी सक्सीड, हमारी चाबी जो है वो सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है CN के ट्रांसपोंडर में।